हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ निलीशा और आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ फुल स्लीव्स जैकेट। एक्चुअली मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आप लोगों के साथ एक हाफ स्लीव्स बोलेरो जैकेट शेयर किया है। उसी वीडियो में मेरे पास एक रिक्वेस्ट आया है कि आप इसे फुल स्लीव्स बनाना सिखाइए। सो आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ कि आप किस तरह से फुल स्लीव्स जैकेट बना सकते हैं सिंपल एंड ईजी स्टेप फॉलो करके। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब के पड़ोस में एक छोटा सा बेल आइकन है, उसे जरूर हिट कर लें। इससे आप मेरा कोई भी वीडियो मिस नहीं कर पाएंगे। फाइनली स्टार्ट करते हैं। सो फुल स्लीव जैकेट बनाने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ इस तरह का जामा फैब्रिक। ये मैंने लिया है 1.5 मीटर। इसी के साथ मैंने कॉटन अस्तर लिया है, वो भी 1.5 मीटर है, जो कि ब्लू कलर का है, यू कैन सी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कॉटन अस्तर पे वर्क करना स्टार्ट करेंगे, देन मैन फैब्रिक पे। सो दिस इज़ माय ब्लू कलर कॉटन अस्तर। मैं इसे डबल फोल्ड करके बिछा लूँगी कुछ इस तरह से। इसे डबल फोल्ड कर लेने के बाद में इसे एक फोल्ड और कर लेंगे कुछ इस तरह से। सो हमारे पास फैब्रिक आ जाएगा 4 फोल्ड में, लाइक दिस। मुझे मेरे जैकेट की रेडी लेंथ चाहिए 17 इंच। सो मैं यहाँ से इसे 19 इंच पर मार्क कर रही हूँ। 3 इंच मैंने सीम अलावेंस और फोल्डिंग के लिए ले रखा है। इसकी लेंथ मार्क कर लेने के बाद में इसकी बेसिक बॉडी मार्क कर लेंगे। यहाँ मेरे पास बेसिक बॉडी ड्राफ्ट ऑलरेडी बना हुआ है। अगर आप इसे डिटेल में सीखना चाहते हैं तो मैंने आपके लिए ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखा है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं। सो हमारा बेसिक बॉडी रेडी है। बेसिक बॉडी ड्राफ्ट रेडी हो जाने के बाद में अब हम इसे कट कर लेंगे, लाइक सो। मैं इसे यहाँ से कट करना स्टार्ट कर रही हूँ। कटिंग कंप्लीट हो जाने के बाद में अब हम नेक के लिए मार्किंग करना स्टार्ट करेंगे। मुझे मेरी नेक विड्थ चाहिए 3 इंच, सो मैं यहाँ से इसे 3 इंच पे मार्क कर लूँगी। सो यहाँ से बैक नेक के लिए मार्किंग करेंगे। ओहो, सफाई वाली गाड़ी इंदौर नंबर 1 है भैया। अच्छा सॉरी, हाँ पीछे बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही है सफाई वाली गाड़ी की, सॉरी, माफ़ कर दीजिए प्लीज़। एनीवेज, जैकेट में बैक नेक 1 इंच सफिशियंट होता है, सो मैं इसे 1 इंच पे मार्क कर लूँगी। मुझे मेरा फ्रंट नेक चाहिए 3 इंच, सो मैं यहाँ से इसे 3 इंच पे मार्क कर लूँगी। इन दोनों की मार्किंग कर लेने के बाद में हम इसे नेक कर देंगे। फ्रेंच रूलर की हेल्प से मैं नेक कर दे रही हूँ, आप इसे फ्री हैंड भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। सो इन दोनों की मार्किंग्स कर लेने के बाद में फर्स्ट ऑफ ऑल हम कट करेंगे बैक नेक, लाइक दिस। बैक नेक कट कर लेने के बाद में फैब्रिक की एक लेयर को सेपरेट कर लेंगे और एक लेयर पर फ्रंट नेक कट करना स्टार्ट करेंगे। सो फ्रंट नेक और बैक नेक दोनों की मार्किंग हो जाने के बाद में आप देख सकते हैं, ये है मेरे जैकेट का फ्रंट साइड और ये है मेरे जैकेट का बैक साइड। सेम प्रोसेस फॉलो करके मैन फैब्रिक पे इसे ट्रेस कर लेंगे, लाइक दिस। मैन फैब्रिक को मैंने कर लिया है 4 फोल्ड। बैक नेक वाला ड्राफ्ट इस पर रख करके ट्रेस कर रही हूँ। इसे ट्रेस कर लेने के बाद में बैक नेक कट कर लूँगी। बैक नेक कट करने के बाद में मैं इसे सेपरेट कर लूँगी। इसे सेपरेट कर लेने के बाद में इसमें फ्रंट नेक की मार्किंग और कटिंग कर लूँगी। सारी प्रोसेस वही है। फाइनली हमने मेन फैब्रिक और अस्तर दोनों की कटिंग कर ली। अब हम हमारे जैकेट के मेन फैब्रिक के फ्रंट पार्ट को कुछ इस तरह से बिछाएंगे। इस पे जो हमारा अस्तर वाला फैब्रिक है उसे हाफ फोल्ड करके इस तरह से बिछाएंगे। फोल्ड करके बिछा लेने के बाद में इसे बीच से लाइन कर देना है, बिकॉज हमारे जैकेट में फ्रंट ओपनिंग रहेगी, उसी की तैयारी कर रहे हैं हम लोग। इसे मार्क कर लेने के बाद में हम इसे कट कर लेंगे कुछ इस तरह से। इसे कट कर लेने के बाद में हमारे पास जैकेट के फ्रंट में 2 कटिंग आ गई है सिमिलर। सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे अस्तर के साथ में। इसका एक पार्ट इस तरह से रखेंगे और इसे मार्क कर लेंगे। मार्क करने के बाद में कट कर लेंगे। सो फ्रंट में हमारे पास में 2 कटिंग आ गई है सेपरेट। सो अब हम हमारे जैकेट का फ्रंट पार्ट बिछाएंगे कुछ इस तरह से। अगेन फ्रंट पार्ट का मेन फैब्रिक जो है उसे राइट साइड में फेसिंग करके कुछ इस तरह से बिछा लेंगे। अब हम इसकी नेकलाइन फिनिश कर देंगे, लाइक दिस। यहाँ से लेके यहाँ तक हमें स्टिचिंग करना है, स्टिचिंग लगा देंगे। नेक पे स्टिचिंग लगाते हुए हमें यहाँ पे इसके फ्रंट साइड में जो फ्रंट ओपन है यहाँ से स्टिचिंग लगा लेना है। दोनों साइड में सेम प्रोसेस फॉलो करना है फ्रंट पार्ट में। अब हम हमारे जैकेट के बैक पार्ट को कुछ इस तरह से बिछाएंगे।
इसे हमें राइट साइड पे फेसिंग करके बिछाना है, यानी रॉन्ग वाला साइड नीचे और राइट वाला साइड ऊपर। अब जो हमारा अस्तर वाला फैब्रिक है इसे इसके ऊपर इस तरह से बिछा लेंगे। दोनों को हमें राइट राइट साइड पे फेसिंग करके बिछाना है बिकॉज हम इसे पलटने वाले हैं। सो अब हमें क्या करना है, जो हमारा नेक वाला साइड है यहाँ से इसे स्टिचिंग दे देना है। ओनली नेक पे देना है हमें स्टिचिंग, बाकी कहीं स्टिचिंग नहीं देना है। सो यू कैन सी हमने हमारे जैकेट के बैक साइड में नेक लाइन में अंदर की साइड से नेक लाइन स्टिच कर ली है और इसे पलट लिया है। सो फ्रंट पार्ट में स्टिच कर लेने के बाद में हम इसे पलट लेंगे। पलटने के बाद में कुछ इस तरह का दिखेगा, यू कैन सी। अब हम जैकेट के बैक साइड को कुछ इस तरह से बिछा लेंगे और इसके ऊपर फ्रंट साइड रखेंगे। अब हम इसके शोल्डर ज्वाइन करना स्टार्ट करेंगे लाइक दिस। सो यू कैन सी हमने शोल्डर ज्वाइन कर लिए हैं। अब हम स्लीव्स के लिए प्रिपरेशन करना स्टार्ट करेंगे। सो इसे हम फुल स्लीव्स बनाने वाले हैं। स्लीव्स के लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ ये बचा हुआ फैब्रिक। सो मैंने ऑलरेडी आप लोगों के लिए स्लीव्स की कटिंग एंड ड्राफ्टिंग डिटेल में सिखा के रखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे रखा है, आप चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं। सो यहाँ जो मैंने स्लीव्स बना रखी है उसे इस तरह से ट्रेस कर लूँगी। दूसरी स्लीव्स में भी सेम प्रोसेस फॉलो करके इसे कट कर लेना है। सो यू कैन सी हमारे पास में दो स्लीव्स आ गई हैं। अब हम इसे अटैच करना स्टार्ट करेंगे। सो हम हमारे जैकेट को इस तरह से ओपन कर लेंगे। ये रहा मेरा स्लीव्स वाला पार्ट और इसमें यहाँ से स्लीव्स अटैच करना स्टार्ट करेंगे लाइक सो। दूसरे साइड पे भी सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे। सो यू कैन सी हमने स्लीव्स अटैच कर ली है। स्लीव्स अटैच करने के बाद में कुछ इस तरह का दिख रहा है, आप देख सकते हैं। अब हम हमारे जैकेट को अपोजिट साइड में ओपन कर लेंगे और स्लीव्स से लेके जैकेट के डाउन साइड तक स्टिच कर लेंगे कुछ इस तरह से। मैं यहाँ पे आपको चौक से मार्किंग करके बता रही हूँ कि आपको कैसे स्टिच करना है। दोनों साइड पे सेम प्रोसेस फॉलो करके इसे स्टिच कर लेना है। स्लीव्स और साइड अटैच करने के बाद में हमारा जैकेट कुछ इस तरह का दिखेगा। अब हम आते हैं जैकेट के डाउन साइड में और इसे अंदर की साइड में हेम कर लेंगे। इसे हेम कर लेने के बाद में हमारा फुल स्लीव्स जैकेट रेडी है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं आपसे मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।